बीजेपी यानी बी से भारत, जे से जलाओ, पी से पीटी। 50 साल की बुढ़िया औरत को जाएंगे फलाइन किस देने के लिए? ऐसे लोगों को शर्म नहीं है? नौकरी अगर मिला है एक तारी पार के स्मृति ईरानी जो जी जो कर रही है फलाइन किस के बारे में, गांधी को सदन से बाहर कर देते हैं, कभी संसद की सदस्यता खत्म कर देते हैं, कभी केस कर देते हैं, कभी फलाइन। नमस्कार, बिहारी प्रतिभा न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि चुनाव बहुत करीब है, सारी पार्टी अपनी तैयारी जोर शोर से कर रही है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के युवा प्रवक्ता अजमेर करीम जी है, जिनसे हम बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि बिहार में इनका क्या रोल है और किस तरीके से अगला चुनाव का ये तैयारी कर रहा है। सबसे पहले आपको बिहारी प्रतिभा न्यूज, सबसे पहले आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक है उनको मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम और सत श्री अकाल। पत्रकार महोदय, आपने हम सवाल किया कि हमारी पार्टी और हम इस देश की जो वर्तमान स्थिति और आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में, तो पत्रकार महोदय सबसे पहले यह बात, आप जैसे पत्रकार, आप जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मालूम होना चाहिए कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता से, देश के युवाओं से, देश के किसानों से, देश के महिलाओं से अपने वादा किया था चुनावी जनसभा में कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में शासन में आएंगे तो देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। आज जब वही युवा, आज जब वही किसान, आज जब वही नौजवान भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और माननीय मोदी जी से उनके आंख में आंख डाल के अपना हक और अधिकार मांगते हैं और उनसे सवाल करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली पुलिस उनके ऊपर लाठियां बरसाती है, उनको ऊपर FIR दर्ज करते हैं, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। क्या हमारा देश का लोकतंत्र और संविधान यही है कि आप एक तरफ नौकरी का झांसा दे रहे हैं बिहार के देश के युवाओं को, दूसरी तरफ आपके कठपुतली पुलिस देश के युवाओं को, देश के किसानों को लाठियां बरसाते हैं? कतई नहीं चल रहे हैं। और मोदी जी तो कहते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी दिए हैं, रोजगार का बात करते हैं और आप लाठिया का बात करते हैं। आपको मिला है नौकरी? हमको नहीं मिला। और नौकरी मिला है आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और माननीय मोदी जी को चेतावनी देते हैं, और आप जो सवाल कहते हैं कि हमने देश के 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दिया है, तो मैं समझता हूं और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि नौकरी मिला है, लेकिन नौकरी किसको मिला है? वो न तो देश के गरीबों को मिला है, न देश के युवाओं को मिला है। नौकरी अगर मिला है एक तारी पार के बेटे, ताकि बेटे जो जैसा है मूर्ख है, उनको BCCI का सिक्योरिटी बनाया गया है। बिहार में अभी सरकार जो है महागठबंधन की है और आपकी जो पार्टी है वो सरकार में है, क्या हो रहा है बिहार में? बिहार में तो आप देख ही रहे कि किस तरीके से युवाओं पे लाठियां चलाई जा रही है। देखिए, बिहार, बिहार लोकतंत्र की धरती है, लोकतंत्र की जननी है, बिहार क्रांतिकारियों का जगह है, बिहार से हमेशा क्रांतिकारी यहाँ से उभरे हैं, यहाँ से दिल्ली तक पूरा देश में अपना बिहार का नाम रोशन करने का काम किया है। और बिहार जब जब इस देश में बड़ा संकट आता है तो बिहार के लोग लोकतंत्र के माध्यम से हमेशा सत्ता के संरक्षण में जो लोग मलाई खाते हैं और देश के युवाओं को, किसानों को नहीं देते, अच्छा, हैं, उनको जवाब देते हैं। बिहार में आए दिन पर दिन अपराध जो बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दिन हत्याएं हो रही है, आप उस पे सवाल कीजिए। पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, गुजरात में प्रत्येक दिन वो हत्या पे हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के वहाँ जो नपुंसक मुख्यमंत्री है उनसे जाके सवाल कीजिए। अब बिहार में महागठबंधन की सरकार है, बिहार में युवाओं की सरकार है, बिहार में किसानों की सरकार है, बिहार में जनताओं की सरकार है, और कार्रवाई वाली और जनता की सुनवाई वाली जो सरकार आपकी नेता है राहुल गांधी और स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस कर रहे हैं, ये बताइए कहाँ? राहुल गांधी एक नाम ही नहीं, राहुल गांधी इस देश के आदरणीय लोकप्रिय और जनप्रिय नेता है, और राहुल गांधी जी ने इस देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के एक नई मिसाल पेश काम की है। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री में हिम्मत है, औकात है कि वो 4000 किलोमीटर, क्या 4 किलोमीटर यात्रा कर सके? भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में ये फ्लाइंग किस वाला जो मामला है वो कहां तक सही? देखिए, आपने पत्रकार महोदय, आप सवाल कर रहे हैं कि ऐसे नेता के बारे में जिनको हम लोग आज तक न तो मंत्री मानते हैं, न तो नेता मानते हैं, न जनप्रतिनिधि मानते हैं।
ये लोग को हम नेता नहीं समझते हैं। आप अगर इस ऐसे नपुंसक और ऐसे निठुल्ली नेता के बारे में कह रहे हैं, ऐसे महिलाओं के बारे में आप जब सवाल कर रहे हैं, तो मैं उनको चेतावनी और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से उनको जवाब देना चाहता हूं कि यह कोई नेता नहीं है। और स्मृति ईरानी जो जी जो कह रही हैं फ्लाइंग किस के बारे में, ये लोग दंगल नेता को बदनाम किया जा रहा है। हमने आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पहले कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता बढ़ी है, उन्हीं की लोकप्रियता को देख करके ये लोग बौखला गए, ये लोग को खुजली हो रहे। इसीलिए ये लोग कभी राहुल गांधी को सदन से बाहर कर देते हैं, कभी संसद की सदस्यता खत्म कर देते हैं, कभी केस कर देते हैं, कभी फ्लाइंग किस 50 साल की बुढ़िया औरत को जाएंगे फ्लाइंग किस देने के लिए। ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है, तो उनको वहाँ के जनप्रतिनिधि होने के साथ उनको वहाँ का निजी मुद्दा उठाना चाहिए ना, वहाँ के लोगों के सवाल न उठाना चाहिए, वहाँ के धरातल पर का जो समस्या उनके बारे में सवाल करना चाहिए। ये सब कोई सवाल है? अच्छा, जो अपराध बढ़ रहा है, बिहार का बात करें या आपने कहा गुजरात का बात करें या कहीं का भी बात करें, इस पे सरकार को गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं? सरकार कहाँ सोई हो, पत्रकार भी? हमने आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पहले कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय श्री उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी और पत्रकार महोदय, आपको इस सबसे पहले पता होना चाहिए जिस तरह से कल अररिया में घटना हुई है, हम और हमारी पार्टी इस घटना को लेकर कड़ी निंदा करते हैं। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को इस घटना के बारे में जानकारी होती है, वो तुरंत फोन और कॉल के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने वहाँ के अधिकारी को, वहाँ के प्रशासनों को नोटिस भेजने का काम किया और कॉल के माध्यम से बात करने का। निश्चित रूप से हमारी आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से हमने पहले कह दिया कि यह सरकार जनता की सरकार, युवाओं की सरकार, कार्रवाई वाली सरकार है। अच्छा, ये डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का स्वतंत्रता दिवस के दिन हरियाणा में फोटो जलाया गया, ये कितनी दर्दनाक घटना है आप बताइए। कि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं, नेता मंत्री कहते हैं जातिवाद नहीं है, आखिर जातिवाद है तभी तो ऐसा किया जा रहा है। पत्रकार महोदय, एक बात आपको पता है, बीजेपी यानी बी से भारत, जे से जलाओ, पी से पीटे पार्टी। अच्छा, का काम ही है कि भारत जलाओ पार्टी, तो यानी इस भारत के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, इस संविधान के लिए, जिन भी लोगों ने, तो जिन भी महापुरुषों ने, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो जलाए, जिन भी महापुरुष है वो बीजेपी समर्थन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित उनके साथ जितने भी महापुरुष हैं सबको इन्होंने ये सरकार, निकम्मी नपुंसक सरकार, उनके नाम को, उनके कार्य को, उनके बलिदान को ये लोग खत्म करने का काम किया है। और आने वाले समय में ऐसे लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उनके मानने वाले लोग माफ नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को यहाँ से मुंहतोड़ जवाब देंगे और पूरे देश से, सत्ता से ये लोगों को बेदखल करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस प्रवक्ता अजमेर करीम जी थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो बीजेपी सरकार है वो निकम्मी और झूठी सरकार है, युवा बेरोजगार है, कहीं ना कहीं जो गरीब पे है शासन हो रही है 2024 में। इनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 में हम लोग उनको उखाड़ फेंकने का, जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आपका क्या प्रतिक्रिया है इनके प्रति, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।